दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो सबके घर में नए नए नाश्ते बन रहे हैं। बाजार के नाश्ते उतने हेल्दी भी नहीं होते और उतने ज़्यादा अच्छे से बन भी नहीं सकते, जबकि घर में यही नाश्ते बड़े आराम से थोड़ी सी मेहनत से बन भी सकते और बहुत लंबे समय तक जो है हम उनको बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं, क्योंकि हम फ्रेश ऑयल में बनाते हैं। बाजार में उसी ऑयल के अंदर कई कई दिन तक ये लगातार नाश्ते तले जाते हैं, जिससे इनका टेस्ट जो उतना अच्छा नहीं आता। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल एक ही डो से तीन तरह के नाश्ते, जो खाने में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद भी आते हैं। और ये देखिए खस्ता कितने बने हुए हैं, बिल्कुल चूरा चूरा हो रहे हैं। इसी से पता लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। सबसे पहले ये देखिए एक बर्फदार मठरी है, सारी परतें इसकी किस तरह से खुल रही हैं। और बाज़ार में इतनी अच्छी अगर नाश्ते को ख़रीदने जाओ तो कम से कम 400-500 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, जबकि घर के अंदर आप ये 50-60 रुपये के अंदर ही बना लेंगे। अब आप मानेंगे नहीं कि 50-60 रुपये में कैसे बनेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मैंने छान कर मैदा लिया है और इसमें 400 ग्राम यानी मैंने 2 कप के लगभग मैदा ले लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, पर चिली फ्लेक्स डालने से कई बार बच्चे नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं डाले। 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें कलौंजी के बीज डाल दिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके डाल दिए। उसके बाद हम 1 चम्मच के लगभग अजवाइन लेंगे और उसको हथेलियों के बीच में अच्छे से क्रश करेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह के नाश्ते बनाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है कि ये रेडीमेड नाश्तों से बहुत अच्छे होते हैं, लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। वैसे खाने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि इनको घर में बनाया गया है, क्योंकि ये इतनी खस्ता बने हैं। कुछ कमियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से नाश्ता खस्ता नहीं बनता। आज वो सारी कमियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, बस आप रेसिपी को अच्छे से फॉलो करें। अब मैंने इसके अंदर 1/3 कप के लगभग देसी घी डाला है, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो हम घी डाल सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बाज़ार से ये मठरी या नमक पारी लेकर आएँ और उनमें बाज़ार में देसी घी डाला गया होगा, नहीं ना, जबकि आप घर में अच्छे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर घी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल इसका एक कड़ा डो बनाकर तैयार कर लिया और इसको अब हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इतनी देर हम साटा तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी के अंदर 2 से 3 चम्मच के लगभग मैदा डाला है, इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी लिया जा सकता है। और डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक पतला गाढ़ा घोल बना लेंगे। अब क्योंकि ये घी है तो थोड़ा सा जम भी जाएगा, अभी मैंने हल्का गर्म घी लिया था, लेकिन इतनी देर तक हम नाश्ता तैयार करेंगे इतने ही थोड़ा जमकर अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इतनी देर 10 मिनट का समय हो चुका है और हमारे डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। बस एक बार इसको हम 1 मिनट तक और गूंद लेंगे। ये नाश्ते बनाने इतने आसान हैं और मैंने आज इनको 3 तरह से बनाया है ताकि बच्चे इन्हें खाकर खुश हो जाएं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, अब हमें बार बार अलग अलग डो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत अच्छा 3 तरीके का बिल्कुल 3 डिजाइन का नाश्ता जो बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। सबसे पहले बनाते हैं सबसे आसान वाला। अब मैंने इस डो के 3 बराबर पार्ट किए। अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसको हथेलियों में इसी तरह से फैला लेंगे। बस हम एक बीच का हिस्सा तो मोटा है तो किनारे हमें पतले रखने, किनारे हम पतले रख देंगे। उसके बाद हम एक कैंची लेंगे और कैंची से हम इस तरह से कट करते जाएंगे, तो हमें ना तो इसको बेलना पड़ा और ना ही कोई और झंझट करना पड़ा। अगर आप फटाफट नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो ये नाश्ते के लिए नमक पारे का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए और शेप बिल्कुल नई और खाने में बहुत टेस्टी और एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। इस तरह से बस 3-4 काटिए, फिर किनारे जो है बीच में मोटा हिस्सा आ जाएगा उसे किनारे से थोड़ा पतला कीजिए दबा के हथेली से और फिर से काट लीजिए, फिर किनारे थोड़े पतले कीजिए और फिर लंबी लंबी स्टिक्स निकाल लीजिए। बच्चों को ऐसे नाश्ते बहुत पसंद आते हैं, आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चे इन्हें खाकर खुश तो होंगे। वैसे देखा जाए तो इन्हें गेहूं के आटे से भी बनाया जा सकता है, पर गेहूं के आटे और मैदा से मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आजकल फैशन है ब्राउन ब्रेड। अगर आप वाकई उसे चेक करें उसके अंदर भी 50% से ज़्यादा मैदा है। हाँ, बस इन नाश्तों को कम खाएं, ऐसे भी नहीं कि बहुत सारा पेट भर भर के खा जाए और पेट के अंदर मैदा की तह बन जाए, वो नहीं अच्छा। थोड़ा बहुत नाश्ते की तरह चाय के साथ कभी कभी मन करता है कुछ अच्छा सा नमकीन चटपटा खाए तो ये आप खा सकते हैं। आप चाहें तो इनमें बाद में ऊपर से और मसाले भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले, मिर्च वगैरह, क्योंकि बच्चे नहीं खाते।
आप बाद में बनाने के बाद भी इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लीजिए और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो ये मसालेदार भी बन जाएंगे। अब बच इतनी देर वो बिल्कुल, और हमें तलने के लिए ध्यान रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है। अब इतनी देर वो नाश्ता तला जा रहा है, इतनी देर मैं अब दूसरे नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी मैंने एक बिल्कुल पत्ती रोटी बनाई है, ये देखिए, जितना आपको मोटा या पतला नमक पारा लेना हो उतनी बनानी है। मुझे बहुत पतले अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब वो हम उन्हें ऑयल में डालते हैं ना तो वो फूल जाते हैं और एकदम खस्ता बनते हैं। बस तलने के समय ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम या तो लो रखना है या लो मीडियम। हाई फ्लेम पर हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं तलना। बिल्कुल लास्ट में जब ये अच्छे से सीख जाए और खुशबू आने लगे ना, तब एक मिनट के लिए आप फ्लेम हाई करके थोड़ा सा, और उसके बाद इन्हें कलर आने तक अच्छे से ब्राउन कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन में, मैंने तो आज इनकी सीधी सीधी स्ट्रिक्स निकाली हैं, बच्चों को पूछा था तो उन्होंने कहा स्टिक्स निकाल दो, क्यों, क्योंकि वो सीधी सीधी खाने में भी अच्छी लगेंगी और ले जाने में भी। और ये देखिए, सारी एक साथ बन के तैयार हो गई। अब मैंने इन्हें एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो बचे हुए छोटे छोटे कोने वाले टुकड़े हैं या साइड के बचे हुए जो कॉर्नर थे जब हमने कट किया था, उनको फिर से बेलिए और फिर से बना लीजिए। ये देखिए कितना सारा नाश्ता दूसरी तरह का भी हमारा बन के तैयार है। इतनी देर पहला नाश्ता तल गया था तो मेरे पास टाइम कम था, तो इस वजह से मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। अब जो तीसरा नाश्ता है वो थोड़ा सा उसमें हमें टाइम लगेगा, लेकिन बनकर बहुत खस्ता तैयार होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अब इसके मैंने दो हिस्से किए हैं और इसकी हम एक बिल्कुल पतली रोटी बनकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से बड़ी सी पतली रोटी बना ली मैंने, इसलिए किचन शेल्फ पे ही बना ली, क्योंकि चकले के ऊपर इतना बड़ा चकला नहीं होता तो उतनी रोटी बनती नहीं है। अब जो साटा हमने तैयार किया था उससे ये देखिए कितना घी जो है वो जमा जमा हो गया। अब बाज़ार में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो घी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी देसी घी, वो इसकी जगह मार्जरीन या डालडा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं नुकसानदायक है। अब अच्छे से साटे को फैलाने के बाद किनारे से लेंगे और बिल्कुल टाइट हमें रोल बनाने हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि रोल बिल्कुल टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर लूज़ अगर हम रोल बनाएंगे ना तो वो बाद में लेयर्स खुल जाएंगी और हमें अपनी इसकी मठरी बनाने में उतनी दिक्कत आएगी। बस इस तरह से मैं धीरे धीरे हाथ को पकड़ते हुए और इसका हमने एक टाइट रोल बनाकर तैयार कर लिया। इसको हल्का सा हम इस तरह बेल देंगे ताकि जो किनारे हैं वो अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हम एक चाकू लेंगे और उससे एक एक इंच के बराबर टुकड़े कट कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो थोड़े बड़े भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम बहुत पतली और परतदार खस्ता मठरी बना रहे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे जो है एक एक इंच से ज़्यादा के टुकड़े हम इसके कट नहीं करेंगे। इस तरह सारे टुकड़े कट करने के बाद हम उसे इसी तरह किचन सेल्फ पे रखेंगे और अच्छे से हथेली की बैक साइड से दबा देंगे। वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे भी तल सकते हैं, ये नाश्ता ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज तो मैं आपको बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का नाश्ता बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, अब इसकी हम पतली पतली रोटी बेल लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि रोटी हमें बिल्कुल पतली बेलनी है। वैसे तो हमारी ये लोइयाँ बहुत छोटी छोटी हैं, बिल्कुल पूरी जैसी, तो पूरी जैसी पतली लोई बनकर तैयार भी होगी। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ साटा है वो थोड़ा थोड़ा लेके लगा देंगे। ये देखिए, इतनी देर जो पहले वाला नाश्ता था वो अच्छे से तलकर तैयार हो गया है। इस तरह अब मैंने वो जो स्टिक्स बनाई थी सेकंड नंबर पे, उनको अभी मैंने तलने के लिए नहीं डाला है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ताकि हम आराम से बाद में तल लेंगे। बस हल्का हल्का साटा लगाएंगे और इस तरह से लगातार मोड़ते हुए इसको गोल गोल घुमा देंगे। जब हम इन्हें ऑयल में तलने के लिए डालेंगे ना तो ये लेयर जो है इतनी अच्छी खुलकर आएंगी और इतनी अच्छी कई परतों वाली हमारी मठरी बनकर तैयार होगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी लगेगी, सबको बहुत स्वाद भी आएगा और चाय के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए कितनी एकदम पतली मठरी बनी है। अब हम इसे हल्का सा बेल देंगे ताकि ये और पतली हो जाए, क्योंकि अभी ऑयल में जाने के बाद ये काफ़ी फूल जाएगी और इसमें ये जो है इसकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी। बाकी की सारी मठरी भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए अब तलने के लिए चलते हैं। इतनी देर मैंने गैस थोड़ी देर बंद कर दी थी, अब हम अच्छे से इसको जो हमारा स्टिक वाला नाश्ता है पहले वो डालेंगे। बिल्कुल हमें लो मीडियम और लो फ्लेम पर तलना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप हाई फ्लेम पर तलेंगे ना तो ये जल्दी से तलकर ब्राउन हो जाएंगे यानी गोल्डन, और अंदर से ये खस्ता नहीं बनेंगे, बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे और जो उसे खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बनाने के समय इतनी सावधानी नहीं है,
लेकिन इसको तलने के समय बहुत ज़्यादा हमें सावधानी रखनी पड़ती है। बस इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और बीच बीच में आप चाहे तो अपना कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक बैच को तलने में 10 से 12 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है। अब इनका बहुत ज़्यादा कलर हमें लाल नहीं होने देना, हल्के से गोल्डन हो बस, तभी एक मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई कीजिए ताकि अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए। और इन्हें अब हम किसी भी टिश्यू पेपर पर या प्लेट में निकाल लेंगे। वैसे ही क्योंकि ये मैदा की आइटम है ना, तो ये ना तो ऑयल जो है इसके अंदर से बाद में रिलीज़ होता है और आप प्लेट देखेंगे बिल्कुल साफ रहेगी। अब जो दूसरी तीसरी तरह की हमारी मट्ठी थी ना लेयर वाली, वो भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसके अंदर डाल देंगे। सारी मट्ठी एक ही बार में तली जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं बनाया, पर 400 ग्राम जो है मैदा ली थी, तो इसका मतलब हमारा खूब सारा 1 किलो के लगभग नाश्ता बनके तैयार है। जबकि बाज़ार में आपको ये नाश्ता 300 से 350 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। और घर में हमने आप अपने आप ही हिसाब लगा लीजिए, ऑयल भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, 300 ग्राम के लगभग मैंने तेल लिया है तलने के लिए कढ़ाई के अंदर, और 400 ग्राम मैदा, वो तो आपको पता ही है कितने की आती है, तो इसका मतलब 100 रुपये का भी नाश्ता ये तैयार नहीं होगा। और पूरा डब्बे भर भर के, 3 डब्बे भर के नाश्ता तैयार हुआ है, जिसे हम कई दिन तक रख के बड़े आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है साफ़ सुथरे ऑयल में, तो ये कई दिन तक ख़राब नहीं होने वाला, उतनी देर खस्ता और क्रिस्पी बना रहेगा। जैसे ये भी सुनहरे हो जाएंगे, 10 मिनट मुझे लग गए, लेकिन 10 मिनट में ये भी अच्छे से गोल्डन हो गए और इसकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी तरह से खुलकर आई है, एक एक लेयर अलग से नज़र आ रही है। अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि कितनी खस्ता बनी हुई है। बस मैं आपको इस समय आवाज़ नहीं सुनवा सकती, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैच चल रहा है हाई वॉल्यूम के ऊपर, तो इस वजह से अगर मैं इसकी आवाज़ सुनाऊंगी तो मैच की आवाज़ आएगी, ये देखिए। लेकिन एकदम खस्ता बना हुआ नाश्ता है और बहुत टेस्टी भी है ये देखिए कितनी आराम से चूरा चूरा हो रहा है। बाज़ार से भी इतना खस्ता मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन तक खस्ता रहता है, उसके बाद वो सीलना चालू हो जाता है। इसको आप 10 दिन तक भी ये ऐसे ही बना रहेगा और देखने में सुंदर भी लग रहा है। सब तरह से आपको जो तरीका आसान लगे, जो कम मेहनत का लगे, आप उस तरीके से दिवाली पर अपने हाथ का बना नाश्ता बनाकर सबको, परिवार को भी और रिश्तेदारों को खिला सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।